नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु आंगड़े। मैं आज टिल्टिंग कटिंग और लोडिंग सेक्शन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। अब तक हमने फ्लो एरिया, राइजिंग सेक्शन, बैचिंग सेक्शन, रॉ मटेरियल सेक्शन का किया है। आज हम टिल्टिंग कटिंग और लोडिंग सेक्शन को जानेंगे। दोस्तों, राइजिंग सेक्शन में हमने देखा मोल्ड का पेनेट्रेशन और उसका फाइनल टेम्परेचर चेक होने के बाद वो कटिंग को आया या नहीं आया हम डिसाइड करते हैं। अगर वो कटिंग को आया तो हम टिल्टिंग क्रैंक पोजीशन में मोल्ड को भेजते हैं। टिल्टिंग क्रैंक पोजीशन में मोल्ड को टिल्ट किया जाता है 90 डिग्री में। जो हमारा हॉरिजॉन्टल मोल्ड है उसको टिल्ट करके खड़ा किया जाता है और वो कटिंग प्रणाली पे रखा जाता है। अभी देखिए, जब हमारा मोल्ड हॉरिजॉन्टल होता है तो अपने को मालूम है कि राइजिंग डायरेक्शन ये अपवर्ड होती है, लेकिन जब मोल्ड टिल्ट हो जाता है तो उसके बाद उसकी राइजिंग डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। मतलब जहां पे ब्लॉक का लेंथ है वही लेंथ के डायरेक्शन में ही ब्लॉक का राइजिंग होता है। ये हमेशा ध्यान में रखो, किसी भी प्लान में जाओगे तो जहां पे ब्लॉक का लेंथ है, ब्लॉक का लेंथ इज द राइजिंग डायरेक्शन। इधर वो साइड से इधर हो जाएगा नॉन स्टैम्पिंग एंड से ये साइड में हो जाएगा, या स्टैम्पिंग राइट साइड से लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से राइट साइड हो सकता है। ओके, अभी हम ब्लॉक का लेंथ देखेंगे। ये जो है अपना जो केक ट्रॉली पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक का लेंथ हो गया। अभी हम क्या करेंगे, शुरू में या तो वर्टिकल कटिंग कर लो या फिर हॉरिजॉन्टल कटिंग कर लो। बहुत सारे जगह पे वर्टिकल कटिंग पहले होता है, बाद में हॉरिजॉन्टल कटिंग होता है। कुछ मशीन में हॉरिजॉन्टल कटिंग पहले होता है, बाद में वर्टिकल कटिंग होता है। अभी हॉरिजॉन्टल कटिंग करने किया है इस ब्लॉक का, उसमें आप या तो विड्थ सेट कर सकते हो या थिकनेस सेट करते हो। बहुत सारे प्लान में विड्थ सेट करते हैं, बहुत सारे प्लान में थिकनेस सेट करते हैं हॉरिजॉन्टल में। अभी ये हॉरिजॉन्टली ब्लॉक कट हो गया, इसके बाद ये ट्रॉली मूव होगा वर्टिकल कटिंग पे। वर्टिकल कटिंग पे भी अगर हमने हॉरिजॉन्टल पे विड्थ सेट किया तो वर्टिकल पे थिकनेस सेट करना पड़ेगा। अगर हमने हॉरिजॉन्टल पे थिकनेस सेट किया तो वहां पे वर्टिकल में विड्थ सेट करना पड़ेगा। फिर वर्टिकली कटिंग होने के बाद केक आपका इस तरह बन जाता है, पूरा चारों पूरा केक नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे कट हो जाता है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स में कट होने के बाद आप इसको लोडिंग साइड पे दे दो। लोडिंग क्रेन पे जाएगा, लोडिंग क्रेन से वो आपके ऑटोक्लेव लोडिंग ट्रॉली में सेट कर देंगे। अभी ड्यूरिंग कटिंग आपको क्या देखना है, कौन से डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं। एक तो अनकट ब्लॉक, जो ब्लॉक कट नहीं हुआ है, जिस ब्लॉक का सरफेस कट नहीं है वो रिजेक्शन में जाता है। उसके बाद लेस राइज, जहां पे कटिंग नहीं होता है, ब्लॉक प्रॉपर राइज नहीं होता है, वो लेस राइज ब्लॉक आप काउंट कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट में डाल सकते हैं। कॉर्नर डैमेज, समझ ड्यूरिंग टिल्टिंग कुछ कॉर्नर ब्रोकन हो गया ग्रीन केक का, तो कॉर्नर डैमेज में जाएगा। टेपर कट, सपोज कि वहां जहां पे हमने साइज लगाया है, ये जो कटिंग होता है ये पूरा वायर से कटिंग होता है। अगर सपोज वायर ऊपर नीचे हो गया 5 mm टेपरनेस आ गया तो टेपर कट में जाएगा। राइजिंग क्रैश, जब राइजिंग होता है, कभी राइजिंग फास्ट होता है या स्लो होता है, उस दौरान राइजिंग क्रैक्स डेवलप होते हैं केक के अंदर ड्यूरिंग राइजिंग। तो ये जब कटिंग होता है तो वो दिखाई देते हैं, तो राइजिंग क्रैक साइड इफेक्ट आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक, सेंटर क्रैक, सपोज अपना केक वीक है, प्रॉपरली वो पेनिट्रेशन चेक करने में गलती कर दिया, प्रॉपरली उसका हार्डनेस नहीं आया, फिर कटिंग में लिया तो उसको क्रैक, सेंटर क्रैक जाने के चांसेस है, हॉरिजॉन्टल क्रैक भी जाने के चांसेस है, तो वो सेंटर क्रैक से ब्लॉक आप प्रिजेक्शन में पकड़ सकते हो। उसके बाद ऑयल चिकिंग, सपोज हम जो मोल्ड को कोटिंग करते हैं, मोल्ड ऑयल का कोटिंग करते हैं, मोल्ड ऑयल का कोटिंग करते करने के बाद ही कास्ट होता है। सपोज वो ऑयल खराब है तो वो ऑयल क्या करता है, जो केक बनाए वो केक का मटेरियल स्नैच करता है, उसको ऑयल चिपिंग का रिजेक्शन बोलता है। कटिंग वायर प्रेशर, जब भी आप ब्लॉक को कट मोल्ड को कट करोगे तो कटिंग वायर का प्रेशर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में आप 3.5 से 4 kg/cm² सेट करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। जहां पे आपका जो कटिंग सरफेस है उसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केवनेस नहीं आना चाहिए, पूरा स्ट्रेटनेस रहना चाहिए, इसके लिए उसका कटिंग वायर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो 3.5 to 4 kg/cm² होना चाहिए। अभी ये कट किया हुआ केक नंबर ऑफ ब्लॉक्स में फॉर्म हो गया है। अभी ये केक जाएगा लोडिंग क्रेन पे, लोडिंग क्रेन से थ्रू वो अपने ऑटोक्लेव लोडिंग का जो वैगन होता है वैगन के ऊपर प्लेस करोगे। उसके बाद इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर में क्या क्या आएगा, आपका बैच नंबर आएगा,
जो बैच बैचिंग वाले ने दिया है वही बैच नंबर उस मोल्ड के लिए फ्लो सेक्शन में रहेगा, वही बैच नंबर उसका राइजिंग सेक्शन में रहेगा, वही बैच नंबर उसका कटिंग सेक्शन में रहेगा, वही बैच नंबर आपको लोडिंग क्रेन पे भी देना है। उसके बाद डेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो डेट डालना है उसके ऊपर, ऑटोक्लेव साइकिल नंबर डालना है, उसके बाद कौन से ऑटोक्लेव में आपके पास नंबर ऑफ ऑटोक्लेव रहेंगे, कौन से ऑटोक्लेव में जा रहा है वो ऑटोक्लेव नंबर डालना है, और उसका साइज क्या, कौन से साइज में आपने कट किया है वो साइज डालना है। अगर उसमें दो साइज है तो दो साइज डाल दो, तीन साइज है तो तीन साइज डाल दो। इस तरह का आइडेंटिफिकेशन करके ही उसको ऑटोक्लेव में लोडिंग के लिए भेजना है। इसके बाद ऑटोक्लेविंग प्रोसेस क्या होता है, उसका अनलोडिंग प्रोसेस क्या होता है, सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरे सभी वीडियो देखना है तो आप गूगल में जाके अभिमन्यु गांगुड़े सर्च कीजिए और यूट्यूब चैनल में जाके अभिमन्यु गांगुड़े सर्च कीजिए, आपको मेरे पूरे वीडियो, मेरे पूरे बुक्स आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद।